हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में देखेंगे 31.3 जो कि हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर ऑलरेडी 31.1 जो एक्सरसाइज है उसको अपन कंप्लीट कर चुके हैं, तो देखिए 31.3 को भी करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, और इसको रीड कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी अकर्ड। तो पी ए आफ्टर बी ये कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो कंडीशनल है, तो बी कंडीशन है तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी ये दिया हुआ है आपका 4/13, पी बी ये आपका दिया हुआ है 9/13, तो आंसर आ गया 4/9। क्लियर, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है। अब आपको ये दो पार्ट निकालना है, तो देखिए पी ए आफ्टर बी एंड पी बी आफ्टर ए, ये कैसे निकलेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कंडीशन है यहाँ पे बी, तो पी बी, और यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी और यहां कंडीशन है ए, तो पी ए, ये बन गया पी ए इंटरसेक्शन बी, ये दिया हुआ है 0.2 अपॉन पी बी, पी बी दिया हुआ है 0.3, तो ये मिल गया 2/3। नाउ पी ए इंटरसेक्शन बी 0.2 और पी ए ये दिया हुआ है 0.6, तो ये मिल गया 2/6 जो कि बन गया 1/3। क्लियर, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए आफ्टर बी ये निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी। तो देखिए ये दिया हुआ है हमें, तो 0.32 अपॉन पी बी ये भी दिया हुआ है, तो ये हो गया 0.5। इसको लिखा जा सकता है 32/50, 32/100, और इसको हम लिख सकते हैं 50/100। क्लियर, तो 100 100 कैंसिल, 32/50 आ गया, इस ये बन गया हमारा 16/25। देखिए ना फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी बी आफ्टर ए ये भी गिवन है, पी ए आफ्टर बी ये आपको निकालना है और पी ए यूनियन बी निकालना है। तो देखिए पी ए आफ्टर बी ये कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे ये चीज गिवन है क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी ये नहीं दिया है, तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। तो देखिए वो कैसे निकाले, उसके लिए ये चीज गिवन है, ये क्या बन जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, नाउ ये चीज दिया हुआ है 0.6, ये फाइंड करना है, और ये पी ए ये दिया हुआ है 0.4, तो पी ए इंटरसेक्शन बी ये निकल गया 0.24। क्लियर, नाउ अब हमें निकालना है पी ए आफ्टर बी, तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी 0.24 अपॉन पी बी, ये दिया हुआ है 0.8, तो इसको हम लिख सकते हैं 24/80, 8 3 जा और 8 10 जा, तो ये बन गया 0.3। क्लियर, नाउ पी ए यूनियन बी निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, पी ए यूनियन बी ये इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए दिया हुआ है 0.4, पी बी दिया हुआ है 0.8 और ये अभी निकाला है 0.24, तो 0.4 प्लस 0.8 1.2 माइनस 0.24 हो गया, ये आ गया 0.96। क्लियर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।
फाइव का फर्स्ट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए यूनियन बी भी दिया हुआ है, ए आफ्टर बी एंड बी आफ्टर ए, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए पी ए यूनियन बी ये इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये फाइंड करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये चीज गिवन है आपके पास 5/12, पी ए गिवन है 1/3, पी बी गिवन है 1/4 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको इस साइड ले आइए तो ये बन गया 1/3 प्लस 1/4, ये पार्ट इधर आ गया तो माइनस 5/12, 3/4 12 का एलसीएम 12, 4 + 3 - 5 हो गया 7 - 5 2/12 1/6 आ गया। नाउ पी ए स्लैश बी ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी 1/6 अपॉन पी बी, पी बी आपका गिवन है 1/4, क्लियर। तो ये क्या बन गया 4/6 दैट मीन्स 2/3। नाउ पी बी स्लैश ए ये क्या बन जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो गया 1/6 अपॉन पी ए, पी ए दिया हुआ है 1/3, तो ये बन गया 3/6 इट मीन्स 1/2, क्लियर। देखिए नाउ सेकेंड क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है सिमिलर है, थर्ड करते हैं। देखिए यहाँ पे पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, पी ए बार बी निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए बार इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, क्लियर। तो देखिए सबसे पहले आपको ये चीज फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए इसको रीड कैसे करते हैं, नॉट ए एंड बी, इसको हम कह सकते हैं ओनली बी, तो ऐसे केसेस कैसे निकलेंगे, ये निकलेगा पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए पी बी गिवेन है क्या, ये है 9/13 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये भी गिवेन है 4/13, तो ये हो गया 5/13, तो ये क्या बन गया 5/13 अपॉन पी बी, पी बी है आपका 9/13, ये 13 कैंसिल 5/9 आंसर आ गया, क्लियर। देखिए नाउ फिफ्थ का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है पी ए आफ्टर बी, तो ये कैसे निकलेगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो देखिए ये आपका गिवन है 1/4, ये दिया हुआ है 1/3, तो ये बन गया 3/4। नाउ सेकेंड पी बी आफ्टर ए, ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, तो ये दिया हुआ है आपके पास 1/4, पी ए दिया हुआ है 1/2, ये बन गया 2/4, इसको लिख सकते हैं 1/2। नाउ थर्ड पी ए बार आफ्टर बी, तो ये क्या हो जाएगा पी ए बार इंटरसेक्शन बी अपॉन ये कंडीशन पी बी, क्लियर। तो अब यहां ये फाइंड करना पड़ेगा, इसको हम क्या रीड कर सकते हैं ओनली बी, तो ये बनता है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी बी क्या दिया हुआ है 1/3, पी ए इंटरसेक्शन बी ये दिया हुआ है 1/4, तो ये हो गया 12, 4 - 3 1/12 आ गया, यहां लिख दीजिए 1/12, और ये दिया हुआ है पी बी 1/3, तो ये बन गया 3/12 1/4 आ गया। नाउ लास्ट ये आपको पी ए बार स्लैश बी बार ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए पी ए बार स्लैश बी बार ये कैसे निकलेगा, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन दिस कंडीशन पी बी बार, क्लियर। तो देखिए पी बी दिया हुआ है आपके पास 1/3, तो पी बी बार क्या हो जाएगा,
नॉट बी इसको रीड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 3 मीन्स 2 बाई 3। अब आपको ये पार्ट निकालना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बार डिमॉर्गन्स अगर हम यूज करें तो ये क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी होल बार। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, तो ए यूनियन बी ये क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, इनका एलसीएम आ गया 12, 6 प्लस 4 माइनस 3, तो 10 माइनस 3 7/12। तो पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार ये क्या हो जाएगा, इसका नेगेशन मीन्स 1 माइनस 7/12, इट मीन्स दैट 5/12। तो देखिए ये पार्ट आ गया आपका 5/12 और पी बी बार ये आया है 2/3, तो ये हो जाएगा 5/12 इंटू 3/2, तो ये 4 टाइम्स में कैंसिल, 5/8 ये आंसर आ गया। क्लियर, देखिए नेक्स्ट 6th और 7th, इनके ये आंसर्स लिखे हुए हैं, इन दो क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, सिंपली बन जाएगा। नाउ 8th करते हैं, देखिए 8th में कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। देखिए सैंपल स्पेस क्या होगा 3 कॉइन्स का, देखिए पहले तीनों पे हेड, अब किन्हीं दो पे हेड, क्या क्या केसेस बनेंगे, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड या टेल हेड है। अब एक पे हेड तो क्या बनेगा, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल या हेड टेल टेल। अब एक पे भी हेड ना हो तो टेल टेल टेल। क्लियर, तो ये सैंपल स्पेस बनेगा। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है, ए एक इवेंट है, हेड ऑन थर्ड टॉस, थर्ड टॉस पे हेड आए, कब कब आ रहा है, एच 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 पे, एच टी एच पे, टी एच एच पे, यहाँ टी टी एच पे, और कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बन गया ए इवेंट। बी हेड ऑन फर्स्ट टू टॉस, तो यहां आ रहा है, हेड 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 पे, हेड हेड टेल पे, और कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, नाउ अब कह रहा है फाइंड ए स्लैश बी, ये कैसे निकलेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। क्लियर, ए इंटरसेक्शन बी, अब इन दोनों में कॉमन कितने हैं, एच एच एच, क्या एच एच टी है, यहाँ नहीं है, एक चीज कॉमन है, तो 1/PB ये कितने हैं, 2, तो ये हो गया। तो यहाँ पी का यूज ना करके आप नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के थ्रू भी आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी आ गई पी ए स्लैश बी की 1/2। क्लियर, देखिए अब सेकेंड करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, तो यहां है, उसके बाद यहां है, यहां पे भी 2 हेड हैं, यहां पे भी 2 हेड हैं, यहां सिंगल 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 और यहां एक भी नहीं है, तो इतने केसेस बनेंगे। नाउ बी एटमोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड, मतलब 0 हेड चलेगा, 1 हेड चलेगा, 2 हेड चलेगा, बट 3 हेड नहीं होगा, तो ये छोड़ के बाकी सारे। ठीक है, तो एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी और टी टी टी, ये 7 बन गया, 2 4 6 7,
क्लियर। सिर्फ ये कंडीशन नहीं आएगा एटमोस्ट टू हेड में। नाउ टी ए स्लैश बी ये निकलेगा एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। तो देखिए ए और बी में कॉमन कितने हैं, ट्रिपल एच यहाँ नहीं है, एच एच टी ये है, एच एच टी कहाँ पे है, एच एच टी ठीक है, एच टी एच यहाँ है, टी एच एच टी एच एच ये है। तो तीन चीज कॉमन है, सिर्फ ट्रिपल एच नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बोला है एटमोस्ट टू है। तो थ्री चीज थ्री थिंग्स आर कॉमन एंड एन बी ये कितने हैं, सेवन, तो थ्री अपॉन सेवन आ गया। क्लियर। नाउ थर्ड केस सॉल्व करते हैं। तो थर्ड केस में कह रहा है एटमोस्ट टू टेल, ये क्या है एटमोस्ट टू टेल, तो यहां पे अधिक से अधिक दो टेल होने चाहिए, यानी कि जीरो चलेगा, वन चलेगा, टू चलेगा। तो सिर्फ ये ट्रिपल टी छोड़ के बाकी सारे यहाँ पे सेवन के सेवन आएंगे, बस ये चीज ध्यान रखिएगा ट्रिपल टी नहीं आएगा। यहाँ क्या बनेगा बी में, एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल। तो ये जो है यहाँ पे कोई टेल नहीं है, ठीक है, इनको छोड़ के एक एक टेल या एक से ज्यादा टेल है ही। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा ट्रिपल एच ये नहीं आएगा और यहाँ पे ट्रिपल टी नहीं आएगा, बाकी सारी वैल्यू आएंगी। तो अब देखिए पी ए आफ्टर बी ये कैसे निकलेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। तो देखिए अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन होगा देखिए, जैसे यहाँ पे ट्रिपल एच होगा तो वो छोड़ दीजिए, बाकी यहाँ कितने हैं सेवन, तो सिक्स वैल्यूज विल बी कॉमन एंड अपॉन एन बी यहाँ कितने हैं टोटल वैल्यूज सेवन, तो सिक्स बाई सेवन विल बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्लियर। देखिए नाउ नेक्स्ट है, टू कॉइंस आर टॉस्ड वंस, फाइंड ए आफ्टर बी इन ईच। तो देखिए ए दिया हुआ है टेल्स अपियर ऑन वन कॉइन, बी दिया हुआ है वन कॉइन शोस हेड। तो जब दो कॉइन टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। क्लियर। नाउ ए क्या बन जाएगा, टेल अपियर ऑन वन कॉइन, एक कॉइन पे टेल हो, तो एक यहां पे है और एक यहां पे है और यहां दोनों पे है, एटलीस्ट नहीं बोला है, तो सिर्फ दो केसेस आएंगे, हेड टेल एंड टेल हेड। नाउ बी क्या बन जाएगा, वन कॉइन शोज हेड, एक कॉइन पे हेड हो, तो देखिए यहां पे है और यहीं पे है, तो ये हो गया हेड टेल टेल हेड। यहां पे भी एटलीस्ट वन कॉइन नहीं बोला है, वन कॉइन एक ही कॉइन पे हेड हो, तो यही दो केस आएंगे। तो देखिए ए स्लैश बी ये निकालना है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी ये बन जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन दोनों ही है, तो ये हो जाएगा टू अपॉन पी बी, ये भी क्या हो जाएगा टू, तो प्रोबेबिलिटी आ गई वन। ठीक है। नाउ सेकेंड, ए इक्वल्स टू नो टेल्स अपियर, किसी पे भी टेल नहीं होना चाहिए। तो देखिए एक ही केस है, हेड हेड ठीक है एंड नो हेड अपियर्स, यहां पे क्या बन जाएगा टेल टेल। क्लियर। नाउ पी ए स्लैश बी, तो ये पार्ट कॉमन कुछ भी नहीं है, तो फाइव अपॉन एन बी, एन बी क्या है वन, तो जीरो अपॉन वन ये क्या हो जाएगा जीरो। क्लियर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेंथ, अ डाई इज थ्रोन थ्री टाइम्स, फाइंड पी ए आफ्टर बी एंड पी बी आफ्टर ए, इफ ए ए एक इवेंट है, फोर अपियर्स ऑन थर्ड टॉस, तीसरे टॉस पे जो है फोर अपियर होना चाहिए, यहाँ कह रहा है सिक्स एंड फाइव अपियर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट टू टॉस। तो चलिए सबसे पहले इसको कंस्ट्रक्ट करें, तो ए कह रहा है थर्ड टॉस पे फोर होना चाहिए, मीन्स पहले पे वन वन फोर हो गया, वन टू फोर हो गया, वन थ्री फोर हो गया, वन सिक्स फोर हो गया,
ऐसे करके टोटल 36 केसेस बनेंगे मीन 6-6-4 तक। ये क्लियर? नाउ बी, ये क्या बन जाएगा, 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट टू टॉस। भैया 6 और 5 रिस्पेक्टिवली, ऐसा भी नहीं कह रहा है 6-5 या 5-6 हो, रिस्पेक्टिवली पहले पे 6 आया है, दूसरे पे 5 आया है और तीसरे का कंडीशन नहीं दिया हुआ है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 6-5-1, 6-5-2, 6-5-3, 6-5-4, 6-5-5 and 6-5-6, यही 6 केस बनेंगे। नाउ हमें निकालना है पी ए स्लैश बी, ये कैसे निकलेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, देन पी बी स्लैश ए, ये कैसे निकलेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी, और यहां कंडीशन है ए। क्लियर? नाउ अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन जो है देखिए 1, 2, 3, 5, 6, ये लास्ट में आ नहीं सकते हैं, लास्ट में यहाँ 4 फिक्स किए हुए हैं, तो ये सारे आएंगे नहीं, सिर्फ आएगा 6, 5, 4, एक ही वैल्यू कॉमन है, अपॉन एन बी, इसमें कितनी वैल्यू है 6, 1/6 आ गया प्रोबेबिलिटी। नाउ बी स्लैश ए, तो कॉमन तो एक ही है, अपॉन एन ए, ये कितने बने हैं, ये बने आपके 36, 1/36 आंसर आ गया। क्लियर? आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है नेक्स्ट। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट अ रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स गिवन बाय ए, सन ऑन वन एंड फादर इन द मिडिल, फाइंड पी ए आफ्टर बी एंड पी बी आफ्टर ए। ठीक है, तो देखिए मदर फादर एंड सन, मदर फादर एंड सन ये तीन लोग हैं फैमिली पिक्चर्स के लिए खड़े होते हैं लाइन में। देखिए ए एंड बी आर द टू इवेंट्स, ए कह रहा है सन ऑन वन एंड, किसी भी एक एंड पे सन है, तो मान लीजिए सन यहाँ हो सकता है इस एंड पे, तो मदर और फादर यहाँ हो सकते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी ये बन गया। दूसरा सन इसी एंड पे है, फादर एंड देन मदर हो सकता है, ठीक है कि इस ऑर्डर में खड़े हों, या फादर मदर एंड सन, सन इस लास्ट एंड में हो, या मदर फादर सन, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगे। नाउ बी कह रहा है फादर इन द मिडिल, फादर जो है वो मिडिल में है, तो देखिए सन इस साइड हो सकता है, देन फादर एंड देन मदर, या दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है, मदर इस एंड पे हो, सन इस एंड पे हो और फादर यहां पे हो। क्लियर? ना हमें निकालना है पी ए आफ्टर बी अकर्ड, ये कैसे निकलेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कंडीशन एन बी। सेकेंड हमें निकालना है पी बी स्लैश ए, ये बन जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कंडीशन एन ए। क्लियर? नाउ एन ए इंटरसेक्शन बी, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए एस एफ एम यहां है क्या, तो एक चीज कॉमन है, एम एफ एस है क्या यहां पे है, तो दोनों ही कॉमन है, तो कॉमन दो चीज मिल गया, अपॉन एन बी, बी में कितने हैं 2, तो ये भी 2, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1। नाउ बी आफ्टर ए, तो देखिए कॉमन क्या है दोनों में, दो चीज अभी देखे हैं, और एन ए 1, 2, 3, 4, तो ये 4, ये आ गया 1/2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑन द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। देखिए यहां पे दो इवेंट की बात हो रही है, सम ऑफ द नंबर्स इज ऑब्जर्व टू बी 6, सम इज 6, ठीक है, तो देखिए सम इज 6, ये कब कब होगा, देखिए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, दो बार फेंका जा रहा है, तो अगर पहले बार में 1 आया तो दूसरे बार में 5 आना चाहिए, 2 के साथ 4 बनेगा, 3 के साथ 3 बनेगा, 4 के साथ 2 बनेगा एंड देन 5 के साथ 1, 6 0 हो नहीं सकता है क्योंकि डाइस पे 0 नहीं रहेगा, ठीक है,
तो इतनी ही पॉसिबिलिटीज बनी। देखिए बी क्या बन जाएगा, फोर हैज अपियर्ड एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो फोर हो ही, तो वो कब कब हो सकता है, वन फोर, टू फोर, थ्री फोर, फोर फोर, फाइव फोर, सिक्स फोर, क्लियर। और दूसरा कब होगा, फोर वन, फोर टू, फोर थ्री, फोर फोर इंक्लूड कर चुके हैं, फोर फाइव एंड फोर सिक्स, तो इतने केसेस बनेंगे जहां पे कह रहा है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फोर हैज अपियर्ड एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार या दो बार, ठीक है, तो फोर है। नाउ अब क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द कंडीशनल, तो ये फाइंड करना है, मीन्स इसको निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा, कंडीशन, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कंडीशन एन ए, तो ये हो जाएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, देखिए फोर यहां है, फोर यहां है, यही दो चीज कॉमन हो सकता है, क्योंकि यहां पे बोला है एटलीस्ट वन फोर मस्ट बी अपीयर, तो देखिए ये दो पार्ट कॉमन है अपॉन एन ए, एन ए में कितने, वन टू थ्री फोर फाइव, टू अपॉन फाइव, ये आंसर आ गया।